ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो सोशल चेंज एंड मॉडर्निटी बट बिफोर ही प्रोसीड फर्दर एज वी ऑल एज आई ऑलवेज से कि डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ठीक है तो सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी ये सेंट्रल थीम रहेगा चैप्टर का कि क्या-क्या चेंजेस आपकी मॉडर्न सोसाइटी में आई और किन रीजंस की वजह से आई तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन से बेसिकली सोशल चेंज होता क्या है विल्बर्ट मोरे ने इनको कहा है कि सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेसन है दैट मींस कोई एक चेंज ठीक है स्ट्रक्चर में एंड आपके कल्चर में दैट मींस हम सोशल चेंज की बात करते हैं तो आपका स्ट्रक्चरल चेंज भी आ जाती है इसमें एंड आपका कल्चरल चेंज भी आ जाती है दोनों चेंजेस अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है जो एज अ होल सोसाइटी को चेंज करता है इट इफेक्ट द होल सोसाइटी फंडामेंटली ठीक है जो इक्वल इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी पे फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है अर्बनाइजेशन में आप ज्यादा अर्बन होते जाते हो तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा रूरल से अर्बन में ठीक है तो आ, आपका स्ट्रक्चर सोसाइटी का चेंज हो रहा है जो रूरल इंस्टीट्यूशन है चाहे वो फैमिली हो लॉ हो मैरिज हो वो अर्बन सोसाइटी में वो सारे इंस्टीट्यूशन जो है उनमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी फाइन तो एक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो चेंज हो रहा है और इफ़ेक्ट करता है होल सोसाइटी को फंडामेंटली जब हम कल्चरल चेंजेस की बात करते हैं ये होता है चेंज इन द वैल्यू एंड द बिलीफ सिस्टम्स जो आपके किसी कल्चर के वैल्यूज या बिलीव सिस्टम्स हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कल्चर जो है वो वैल्यू करता है कास्ट सिस्टम को ठीक है या वुमेन uh, सब्जुगेशन को आप जब कल्चरल चेंज की बात कर रहे हैं तो कास्ट सिस्टम भी डाइल्यूट होता डिक्लाइन होता वो आपको नजर आएगा और जो सब्जेक्ट वुमेन uh, की सब्जोगेशन है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती नजर आएगी तो अगर ऐसी चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी में जो आपके वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है चाहे रिलीजन की uh, जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन हो जाए उनको हम कल्चरल चेंजेस बोलते हैं यहाँ पे कुछ एक्जाम्पल्स दी है फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ वुमेन डायल्यूशन ऑफ कास्ट या चेंज इन द फैमिली फॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज फाइन तो ये जब आपकी सोशल चेंज क्या होता है जब आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर एंड कल्चर दोनों चेंज हो रहा होता है तो काफ़ी रीजंस होते हैं कॉजे होते हैं सोशल चेंज के यहाँ पे फाइव इंपॉर्टेंट मैंशनड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है इसकी बेस्ट एग्जांपल आप कैटेस्ट्रोफी के इसमें समझ सकते हो जैसे फोस्ट माइग्रेशन होती हैं फिर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर एक पैटर्न है वो चेंज हो जाता है जहाँ से वो माइग्रेट कर रहे होते हैं वहाँ उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में चेंज आ रही होती है इकोनॉमिक पैटर्न्स की वजह से आती है पॉलिटिकल आप कुछ नए लॉज रूल्स लेके आते हो उनकी वजह से चेंजेस आप देखते हो कल्चरल आपका वैल्यू बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा होता है तो ये फाइव रीजन है जिनकी वजह से या सोर्स या कॉज ऑफ सोशल चेंज आप बोल सकते हो फर्दर आप सोशल चेंज को एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक और इक्विजेनेटिक बोलते हो देखो एंडो होता है इंटरनल एंड एक्जो इज योर एक्सटर्नल ठीक है इतना तो आप समझ जाओगे अब एंडोजेनेटिक होता है जो इनसाइड फोर्सेस की वजह से चेंज आ रही होती है एक्सोजेनेटिक इज जो आउटसाइड फोर्सेस की वजह से चेंज आए इसकी बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए जब आ, इंडिया में क्या था पहले हिंदुइज्म था ठीक है उसके बाद थोड़ा ब्राह्मणिकल कहीं कहीं बढ़ती गई तो आपके पास एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गई और ऐसे में ही हमारा यहाँ पे फ्लरिश करने लगा बुद्धिज्म तो जो बुद्धिज्म जो चेंज है ये इंटरनली आई ना ये अंदर से कुछ रीजन्स हुए उसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो इमर्ज हुआ लेकिन ये यहाँ पे इस्लाम नहीं था पहले ठीक है तो इस्लाम जो था वो आउटसाइड फोर्स थी वो चाहे वो आ, इन्वेजन्स हुई यहाँ पे फिर वो यहाँ आके सेटल हो गए और उन्हें अल्टीमेटली एक सोसाइटी पर असर डाला सोसाइटी चेंज होना शुरू हो गई तो जो एडवेंट ऑफ़ इस्लाम था या एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वो एक आउटसाइड चेंज था लेकिन बुद्धिज़्म जो था वो इन चेंज था वो इन ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो चेंज होना शुरू हो गया तो उसको हम एंडोजेनेटिक बोलेंगे वाले को एंड जो एडवेंट ऑफ़ इस्लाम यहाँ पे हुआ वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस था वो आउटसाइड फोर्सेस से वो चेंज आया था ठीक है सोशल चेंज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसको स्टडी किया है डिफरेंट स्कॉलर्स ने उनको मॉडर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन नेम दिया गया है तो इन सब चीजों में आप अभी उलझना नहीं ये सब चीजें हमें पेपर बी में इन डिटेल में हम डिस्कस दिसक, डिस्कस करेंगे ठीक है और इनके जो थिंकर्स हैं उनको भी अब हमें यहाँ पे जो पहला टॉपिक पढ़ना है आई होप सोशल चेंज क्लियर हो गया होगा क्या होता है तो हमने यहाँ क्या देखा कल्चर एंड स्ट्रक्चर की वजह से फिर कुछ कॉजेज ऑफ सोशल चेंज देखे और सोशल चेंज हमने देखा और कोई जो है क्लासीफाई uh, किया जाता है उनको ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन ऑल्सो तो वो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक होते हैं आपके अब हम कुछ सोशलॉजिकल थेरीज ऑफ सोशल चेंज देखेंगे इसमें आपको लीनियर थेरीज पढ़नी है जब भी हम लीनियर थेज की बात करते हैं जो डेवलप हुई है सीधे एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ गई दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज आ गई ठीक है और कुछ साइक्लिकल मैनर में देखेंगे साइक्लिकल मैनर में क्या होता है अगर कोई चीज ऑरिजिन हो गई है उसका एंड हो गया तो फिर वो फिर से ऑरिजिन हो जाएगी किसी नए फॉर्म में फिर एंड हो जाएगा और इसाइकल जो है रिपीट होता है अब लीनियर थे देखेंगे द नोशन ऑफ सिविल सोशल एवोल्यूशन विच इज यूज इन लीनियर टेकन फ्रॉम द थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ठीक है तो ये जो लीनियर मॉडल है ये क्या आपका डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो गई तो ये आपको एक काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी थियरीज प्रेजेंट करता है अब आप एवोल्यूशनरी बोलो या लीनियर थियरीज बोलो ये सेम है ये लीनियर थीरीज आपको दिखाता है सोसाइटी इवॉल्व कैसे हो गई कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे जैसे आपके स्पेंसर ठीक है उनके इसको बोला ही जाता है उनकी थियोरी को सोशल डाविनिस्ट या उनको सोशल डावनिज्म बोला जाता है उनकी फिलोसफी को ठीक है तो देखते हैं पहले अब लीनियर थियरीज में पहले जो हमें नाम देखना है इसमें डिस्कस करेंगे हम ऑगस्ट कॉम्टे का ऑगस्ट कॉम्टे इन्होंने प्रोग्रेसिव लीनियर मॉडल दिया था फॉर द न्यू फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ठीक है तो ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है ये हमने पहले पढ़ लिया है मैंने आपको पहले भी कहा था टीएमएस करके याद रखना थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक या प्रोग्रेसिव ठीक है यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने ऑलरेडी इसको लेके एक्सप्लेन करी हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे रिलीजन का चैप्टर जो है वो देख सकते हैं चलो यहाँ थोड़ा बता देती हूँ थियोलॉजिकल आपकी गॉड सेंट्रिक सोसाइटी होती है फिर मेटाफिजिकल होता है जब आप गॉड से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हो और आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिलोसफीज को लेकर अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो कि कोई चीज जो है वो यूनिवर्स पर डिपेंडेंट है ठीक है कॉस्मॉस यूनिवर्स ऐसी बातें करते हो साइंटिफिक आपकी प्रोग्रेसिव स्टेज आती है लास्ट में फाइन जिसमें आप साइंटिफिक रैशनल लॉजिकल होते जाते हो तो कॉम्पनी ने क्या कहा था इवेंचुअली मैन वुड बी एबल टू मेजर एम्पेरिकली एंड एक्सप्लेन कंक्लूसिवली ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर ठीक है किस में होगा उसकी फाइनल स्टेज में तो कॉमते ने एक इंटलेक्चुअल डिवेलपमेंट लिया एज अ बेस ऑफ एवोल्यूशन ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना पहले आप सब कुछ गॉड से एट्रीब्यूट करते हो फिर आप फ़िलासफी से एट्रीब्यूट करना शुरू हो जाते हो ठीक है आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो कोई नेचुरल टर्म्स में एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में उसके बाद आप रीजनिंग करना शुरू हो जाते हो तो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो रहा है लेकिन आगे आगे बाकी थिंकर्स ने भी इसमें थोड़ा एडिशन किया है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं आपको मटीरियल आस्पेक्ट्स भी देखने हैं वो हम आगे देखेंगे <clears throat> इन फेजेस में देर पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ही विल ऑल्सो जो कॉम्टे कौं, ने उनको बोला था ऑर्गेनिक एंड क्रिटिकल पीरियड्स भी होते हैं जो स्टेबल चलते हैं फिर बीच में कुछ ही विल आता है वो आपका क्रिटिकल पीरियड है और दुर्खेम ने और एक चीज करके एक्सप्लेन की थी कहा था सोशल स्टैटिस्टिक्स होता है और कुछ चेंजेस को बोला था सोशल डायनेमिक तो सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है जो स्टैटिक रहेंगे आपका जो पैटर्न है सोसाइटी का ठीक है जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली हो गया या लैंग्वेज हो गया जो स्टैटिकली चल रहे हैं और जो सोशल चेंज हो रही है सोसाइटी में उनको उन्होंने बाय द टर्म किया था डिफाइन सोशल डायनेमिक्स तो सोशल डायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जो एवोल्यूशन हो रही है इसी वजह से हो रही है ना कि कुछ चेंजेस हो रही है तो जो सोशल डायनेमिक्स है इनकी इस थियरी का जो है ये इंपॉर्टेंट की है ये डिपेक्ट करता है सोशल चेंज जो सोसाइटी में हुई है फिर स्पेंसर जो है टू के क्लासिकल एवोल्यूशनरी व्यू ऑल्सो इसी ही इज ऑफन टर्मड एज सोशल डार्विनिज्म जैसे मैंने आपको कहा क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन से डार्विन ने आपको दी थी क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो इन्होंने आपको क्या कहा था स्पेंसर ने सोसाइटी जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाती है और जो इन कंडीशंस में बेस्ट होता है सरवाइव करने के लिए वही आपकी सोसाइटी बनाता है ठीक है वही लोग जो है वो रह जाते हैं और वही बाद में आपकी सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिंपल सोसाइटी में आपको उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन वो सारी चीजें नहीं है जैसे कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी आपको कुछ आ, आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो उन चेंजेस को बेयर कर सके और अडाप्ट कर सके तो जिसमें वो क्वालिटी थी वो चेंजेस को अडेप्ट करने वाली क्वालिटी थी उन लोगों ने सर्वाइव किया और वही आपकी सोसाइटी का पार्ट बने अकॉर्डिंग टू हिम लाइक ऑर्गेनिजम सोसाइटीज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स एंड दीज पार्ट

का करके मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में आपका सोसाइटी कैसे इवोल्व करती है वो भी बताया ठीक है पहले हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं कॉम्पते ने क्या किया था उन्होंने फोकस किया था इंडिवि नहीं कॉम्पते ने स्पेंसर ने फोकस किया था इंडिविजुअल पे और कॉम्पते ने लार्जर यूनिट्स पे लाइक फैमिली एंड ऑल ठीक है इन्हें इंडिविजुअल पे कैसे फोकस किया था क्योंकि इंडिविजुअल ही जो अप्ट करेगा चेंजिंग कंडीशंस को वो सरवाइव करेंगे जैसे मैंने कहा वही लोग जो बेस्ट होते हैं सर्वाइवल के लिए वही बाद में आपकी सोसाइटी बनाते हैं ये एक पॉइंट हो गया और इन्होंने ये नैरेटिव भी चेंज किया लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का क्योंकि ये वन डायमेंशनल था सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था इन्होंने क्या कहा आपको किसको देखना है मटीरियल वर्ल्ड को रियलिटी को देखना है और इसी को चलते इन्होंने कहा था सोसाइटी चेंज होती है मिलिटेंट से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में मिलिटेंट आपकी पुरानी सोसाइटीज हैं आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज और इंडस्ट्रियल आपकी न्यू सोसाइटीज होगी मॉडर्न सोसाइटीज रैशनल सोसाइटीज तो इन्होंने कहा था स्पेंसर अवर सॉट टू डेवलप एन एवोल्यूशनरी थियोरी इन द रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड ठीक है तो उन्होंने ज्यादा बातें की थी आइडियाज की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की और इन्होंने बात की थी रियल वर्ल्ड की दैट इज अ मटेरियल वर्ल्ड इन्होंने कहा था प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज आल्सो ए बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ही आइडेंटिफाइड सर्टेन स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज एस सिंपल कंपाउंड डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड अब देखो प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज ऑल्सो ए कम्पलीट बाई प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब हुआ सोसाइटी जब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती जाती है कॉम्प्लिकेट होती जाती है तो डिफ़रेंशिएशन बढ़ती है सोसाइटी में ठीक है अब पॉपुलेशन बढ़ गई है इंटरैक्शन अकॉर्डिंगली बढ़ गई है तो थोड़ा डिफ्रेंसेस आ जाएंगी सोसाइटी में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगी काम बढ़ जाएगा लोगों का तो डिफरेंसिएशन होना शुरू हो जाएगी लेकिन सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए यूनिटी होना भी जरूरी है तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंसिएशन जहां सोसाइटी डिवाइड हो रही है वहां पर जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद इट शुड बी इट शुड बी फॉलोड बाई प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन क्या होता है आपकी यूनिटी ट्वेल्थ uh, में पढ़ा होगा ना या इलेवेंथ में हमने फिजिक्स में पढ़ा है डिफ्रेंसिएशन क्या करता है डिवाइड करता है चीजों को फिर इंटीग्रेट में हम क्या करते थे एज अ होल अगर हमें इस पूरे सर्कल का कुछ एरिया है कुछ भी निकालना है तो हम एक पॉइंट पे वो निकालेंगे बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेट क्या करेगा एज अ होल हमें बताएगा इसका एरिया ये इंटीग्रेशन में हम पढ़ते थे तो इंटीग्रेशन सोशोलॉजी में जब हम बोलते हैं वो डिपेक्ट करता है कोहेसिवनेस को सॉलिडारिटी को यूनिटी को क्योंकि वो सारी चीज का हमें डिटर्मिन कर रहा है कुछ भी ठीक है वो सारी चीज को साथ लेके चल रहा है एंड डिफ्रेंसिएशन इज ए डिविजन इन द सोसाइटी कैसे कैसे सोसाइटी डिवाइड हो रही है तो स्पेंसर का बोलना था तो इन्होंने थोड़ा रियलिटी वाला एस्पेक्ट जो था इनकी थियोरी में ज्यादा था इन्होंने कहा प्रोसेस ऑफ डिफरेंसिएशन इज ऑल्सो ए बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तभी आपकी सोसाइटी सर्वाइव करेगी अगर सिर्फ डिफ्रेंसिएशन ही होगी और कोई एलिमेंट यूनिटी का कोहिसनेस का नहीं होगा सोसाइटी में स्टेबिलिटी आना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इन्होंने कहा था पहले मिलिटेंट सोसाइटीज फिर differentiation बढ़ती गई विच इनवॉल्ड इनफे इनवॉल्व इन वॉरफेयर वो आपकी मिलिटेंट पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी फिर हम आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहां पे इंटीग्रेशन प्रोसेस भी हुए फॉर एक्साम्पल ये वो सोसाइटी है विच इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ऑल्ट्रिज्म होता है जब आपका सेक्रीफाइस करने का वो ज्यादा पॉइंट हाई होता है स्पेशलाइजेशन इलाबरेट स्पेशलाइजेशन रिकॉगनेशन फॉर अचीवमेंट्स वगैरह तो इन सब चीजों से सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आ जाती है ये हो गया आपका स्पेंसर का ठीक है उसके बाद टाइलर ने भी एवोल्यूशनरी व्यू लिया अकॉर्ड टू हिम प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर कल्चर डेवलपमेंट वर्ग ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स साइंटिफिक नॉलेज नेचर ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों की वजह से कल्चरल डेवलपमेंट या कल्चर चेंज आना शुरू हुआ तो ये की वर्ड्स आप याद रख सकते हो जो आंसर में आपको काम आएंगे एवोल्यूशनरी स्पेंसर एवोल्यूशनरी सीक्वेंस इज ऑल्सो फॉलोड बाई थ्री फेजिज अकॉर्डिंग टू हिम वो कौन से थे पहले एनिमिज्म फिर पॉलिथिज्म मोनोथिज्म आपका बिलीफ इन स्पिरिट्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट जो हमने रिलीजन में इन डिटेल पढ़ लिया है पॉलिथिज्म मेनी योर सिंगल गॉड मॉर्गन ने अगेन वेरियस स्टेजेस बोले थे प्रिमेटिव बारबेरिक सिविलाइज्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखो फोर्डिन एंड ने क्या कहा था इन्होंने कहा था दो सोशल ग्रुप्स होते हैं जर्मिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट ठीक है जर्मन वर्ड्स है ये तो ये जो दो है ग्रुप्स ये एक्चुअली बेस्ड है टाइप ऑफ सोशल इंटरैक्शन के जो इन्होंने दो टर्मिनोलॉजी से बोले थे एसेंशियल विल एंड आर्बिटरी विल दिस इज नथिंग बट सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी में जो होते हैं वो डिटर्मिन किए थे दो चीजों से जिनमें यूनिटी ज्यादा होगी क्लोजनेट कम्युनिटी है और आर्बिटरी विल आपकी मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड है और अकॉर्डिंगली जहां पे असेंशियल विल है उस ग्रुप को इन्होंने जेमिन शैफ्ट कहा था और जहां पे आर्बिटरी विल का कॉम्पोनेट हाई है उस सोसाइटी को इन्होंने जेसल शैफ्ट कहा था ठीक है ये इसका बेसिक आइडिया है

ही फाउंड दैट इन स्मॉल होमोजिनियस सोसाइट वो रिप्रेजेंट होते हैं बाई जेमिन शार्ट से मेम्बर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद वन एन अदर ऑन फेस टू फेस एंड इन फॉर्मल बेसिस पे जेमिन शार्ट जो है स्मॉल होता है एंड इट्स पॉपुलेशन जो है वो भी कम होती है साइज में यह आइसोलेटेड होता है फ्राम अदर ग्रुप्स एंड हैंड लिटल चांस ऑफ चेंज है

वो लार्ज है टीरोजीनियस इम्पर्सनल फॉर्मल फंक्शन स्पेशलाइज ठीक है इनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे बेस्ड होता है नॉट देन नॉट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन दीज अनलाइक जेमिन आर मार्क बाय हाई डिग्री ऑफ सैटिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट वो भी उनमें ज्यादा होगा तो बस आपको यही पॉइंट्स याद रखना है जो एसोसिएटेड हो सकते हैं किसी एक कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी के साथ ट्रेडिशनल सोसाइटी के साथ एंड जैसल शैफ्ट में यू हैव टू रिमेंबर कीप इन माइंड की इट इज रिलेटेड टू ए मॉडर्न सोसाइटी सो ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू मॉडर्न सोसाइटी आर रिलेटेड टू एसल शैफ्ट ठीक है यही चीजें हैं इसको आप आइडियल टिपिकल मॉडल भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एनालाइज करना हो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज तो इन्होंने एक आइडियल टिपिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी हमें दी थी इन द फॉर्म ऑफ जर्मन शाप्ट एंड जैसल शाप्ट ठीक है ये हो गया उसके बाद एक सब कैटेगरी आती है क्लासिकल एवोल्यूशनरी थियोरीज की कि कैसे इवॉल्व होगी सोसाइटी इन डायलेक्टिकल थियरीज ये मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इन डिटेल एक्सप्लेन कर लिया है कार्ल मार्क्स में ये वही डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो हीगल से फिर बोरो किया आइडिया को उसमें ड्रॉप किया ठीक है और उसमें मटीरियलिज्म को इंक्लूड किया फिर थीसिस एंटी थीसिस एंड सिंथिसिस डेवलप हो गया जो सिंथेस एक नई थीसिस बन गया ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन की है अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये फिर लेक्चर बोरिंग और लंबा हो जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो कार्ल मार्क्स का जो वीडियो है क्लास स्ट्रगल का वो वीडियो देखें Uh, उसमें आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएंगी मार्क्स के प्री कंडीशन ये, ये एसोसिएट कर रहे हैं देखो नाम क्या रख रहे हैं अगर हम वापस एक बार पीछे जाते हैं जैसे मॉर्गन ने कहा था प्रिमेटिव बार बेरिक सिविलाईजे जैसे आप मॉडर्निटी की तरफ आ रहे हो आप सिविलाइज होते जा रहे हो पुरानी सोसाइटीज को प्रिमेटिव बार बेरिक गई गुजरी खतरनाक

ऑगबर्ड ने दी थी ठीक है अगर ऑकबर्ड निमकॉफ दोनों नाम इनसे एसोसिएट होते हैं बट ये आइडिया बेसिकली ऑकबर्ड ने ये किया था कॉइन डेवलप किया था सॉरी तो कल्चरल लैग जो है ये होता क्या है जब आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रही होती हैं वो पेस नहीं कर पा रही होती हैं वो ज्यादा होती है आपके कल्चरल चेंज से आपके वैल्यू से ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल <clears throat> हमारे पास पहले टेलीफोन नहीं थे फिर लैंडलाइन आ गई तो लैंडलाइन पे बात करना अब जो घर के बूढ़े बुजुर्ग थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ठीक है अभी वो लैंडलाइन उनको अजीब लगता था लैंडलाइन से बात करना अब उन्हें सीखा लैंडलाइन से बात करना अभी वो लैंडलाइन पे कंफर्ट जोन में आ रहे थे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गए तो उनके अंदर का वो कल्चरल वैल्यू नहीं था उनको नहीं पता है कि मोबाइल फ़ोन पर बात करना ये कैसा होता है मोबाइल फोन पे बात करना वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते अगर आपने अभी देखा होगा कई जो अभी भी घर में होंगे किसी के ग्रैंड या ग्रेट ग्रैंड फादर्स तो वो मोबाइल फोन जब हाथ में पकड़ते हैं तो वो कभी चीख के बात करते थे या उसका स्पीकर जो है एकदम मुंह के साथ लाते थे क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि जो ना वायर है ना कुछ है और इंसान इतनी दूर है वो कैसे मेरी बात सुनेगा तो ऐसा देखा जाता है बीच में वो फोन कान के साथ लगाते हैं फिर सामने लेके आते हैं फिर जो उसका जो माइक्रोफोन है वो मुंह में डाल के बात करते हैं कि शायद मेरी आवाज़ वैसे ज्यादा क्लियर आएगी या अगर उनको आइडिया होता है कि मैं किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहा हूँ जो फॉरन में है तो उतना ज्यादा चीख के बात करेंगे दैट मीन जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है आपके अंदर जो मटीरियल चेंज हो रही है सोसाइटी की वो फास्ट है लेकिन आपकी जो अंदर की कल्चरल चेंज है वो उस पर पे पेसअप नहीं कर पा रही है उसके साथ वो इक्वल नहीं चल रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी तो इसको आप इन शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि जो मटीरियल चेंजेस हैं वो इसका नहीं इसका रिवर्स है कि जो मेटीरियल चेंजेस हैं वो फास्टर होती हैं देन योर नॉन मटीरियल चेंजेस के रिवर्स में कोई पॉइंट उठाया था एंड पेज ने उन्होंने कहा था नहीं जो मटेरियल चेंजेस है वो एक्चुअली स्लो है आपके नॉन मटेरियल चेंजेस से और उनको टेक्नोलॉजिकल लैग बोला था कि कल्चर लैग नहीं है टेक्नोलॉजी लैग चल रहा है सोसाइटी में ठीक है आगे देखते हैं वो आपकी होगी लीनियर अब साइक्लिकल थियोरीज ऑफ सोशल चेंज देखते हैं तो लीनियर आपने देखा एवोल्यूशनरी मॉडल कैसे एक स्टेज से आप दूसरी स्टेज में इवॉल्व हो रहे हो लेकिन जब हम साइक्लिकल की बात करते हैं तो ये आपको कोई प्रोसेस दे रहा है कि स्टार्ट होगा फिर एंड हो जाएगा फिर रीस्टार्ट होगा ठीक है इसीलिए इनको साइक्लिकल थ्योरीज बोला जाता है मेजर है स्पेंगलर परेटो टोनीबियन सरोकन की ठीक है Spengler ने क्या कहा था हर सोसाइटी जो है पैदा होती है मच्योर होती है डिके हो जाती है, dice, हो जाती जाती है है इवेंचुअली डाइज जब वो खत्म तो नई सोसाइटी आएगी फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा ऐसा नहीं है एक सोसाइटी तो है वो जो है वो वो जो एक ही वहां पे हमेशा के लिए रह जाएगी वो उसका पहले बर्थ होगा फिर मच्योर हो जाएगी ऐसा अपने पीक पे पहुंचेगी फिर डिके होना शुरू करेगी एंड एंड आ जाएगा और उसके बाद नई सोसाइटीज आना शुरू हो जाएंगी ठीक है लेकिन कोई भी सोसाइटी फॉर के लिए नहीं रहती है परेटो का आपको जो है वो रिलेट करना होगा सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स इन एंशंट रोम ये मैंने आपको पढ़ाया था और पढ़ाया है पॉलिटिकल चैप्टर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया था सर्कुलेशन ऑफ एलट्स क्या होता है तो वही उन्होंने कहा था चेंज इन वन पार्ट वो सीन लीडिंग परेटो ऑल्सो कंसिड ऑफ सोसाइटी एज अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अ होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स

ठीक है तो उनके पास क्वालिटीज लाइन वाली होती है लेकिन रूल करने के लिए आपको फॉक्सिस की भी जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं कुछ अपॉइंट करते हैं फॉक्सिस से और कुछ टाइम के बाद ये थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं लेजी हो जाते हैं और जो फॉक्सिस है उनका नंबर बढ़ता जाता है और फॉक्सिस बाद में ओवरथ्रो करते हैं लायंस को फिर फॉक्सिस के साथ रिपीट हो जाता है को चाहिए होती है थोड़ी लायन की भी एट्रीब्यूट्स रूल करने के लिए वो लायन में से कुछ लोगों को अपने आ, साथ अपॉइंट करते हैं वे टाइम जब फॉक्सिस थोड़ा डिके और कॉम्पलिसेंट होना शुरू हो जाते हैं तो लायंस क्या हो जाते हैं ओवरथ्रो करते हैं फॉक्सिस को और सर्कुलेशन जो है चेंज जो है वो रिपीट होती रहती है तो इसको आप इन रिलेशन टू सोशल चेंज भी देख सकते हो अब इसमें आपको और एक चीज़ ये देखनी होगी कि इसमें एक इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स चीज़ें डिके नहीं कर रही हैं हमेशा के लिए डिके या डेड नहीं हो रही हैं एक इक्विलिब्रियम मेंटेन एक इक्विलिब्रियम आता है जो सिस्टम को मेंटेन करता है जो हमने पार्सनस के रिलेशन में पढ़ा था पार्सन ने क्या कहा था अगर कोई भी सिस्टम में कुछ करप्ट हो जाता है सिस्टम या कोई भी उसमें थोड़ा इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो फीडबैक जनरेट करता है और उस फीडबैक से क्या होता है कोई नए सिस्टम आना शुरू हो जाता है एक न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है जो एज अ होल उस सिस्टम को मेंटेन करता है तो इसके लिए हमने इंटरनेट की एग्जांपल ली थी कि जो इंटरनेट आता है इंटरनेट के साथ आपके साइबर क्राइम्स बढ़ जाते हैं क्राइम्स बढ़ेंगे फीडबैक जनरेट हुआ कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो आपका एक न्यू इक्विलिब्रियम आएगा इन द फॉर्म ऑफ साइबर लॉज जो ओवरऑल इस सारे सिस्टम को मेंटेन करेगा और इंटरनेट क्रम्बल नहीं करेगा वो जो नए साइबर लॉज हैं वो हेल्प करेंगे इंटरनेट को स्टैंड करने में तो ये था प्रोसेस ऑफ आप बोल सकते इक्विलिब्रियम कैसे सोसाइटी में मेंटेन रहता है है तो वही चीज़ें इन्होंने पे सोशल चेंज जो है उसे क्या क्या, क्या रिलेट किया एक तो आपका सर्कुलेशन एंड सेकंड तो आपका इक्विलिब्रियम जो एज ए मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी वो परेटो में आ गया फिर ब्रिटिश फिलोसफर टनी टोनी बी इन्होंने क्या कहा सो चेंज इन साइक्लिकल एंड सो इट इन साइकिल ऑफ ग्रोथ अरेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन बस अब की देख लो स्पेंगलर ने क्या कहा था बॉर्न मेचो एंड डिके टोनी बी ने क्या कहा था ग्रोथ अरेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन और परेटो ने क्या बात की थी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जो उस पैसे करके एक्सप्लेन किया था सोशल चेंज को और कहा था एक इक्विलिब्रियम सोसाइटी जो है वो मेंटेन करती है एज अ होल जो आपकी सोसाइटी को जिंदा रखने में इसीलिए वो चेंज साइक्लिकल है वो रिपीट होती जाती है वो एंड नहीं होती फिर जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखते हैं सरोकिन की एक थियरी थी इन इस बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद फिर आप ये पढ़ लोगे इन्होंने कहा था बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसी होती है ये आपकी आइडिएशनल मेंटालिटी है ठीक है ये इसको हम बोलते हैं आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल सोसाइटी स्पिरिचुअल सोसाइटी ठीक है जहां पे जो आपकी बेसिकली इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये मेंटालिटी पे दिया था कि कल, कल्चरल मेंटालिटी कैसी होगी जब उसमें स्पिरिचुअल वाला कॉन्सेप्ट हाई होगा ठीक है तो उसको हम बोलते हैं आपका आइडिएशनल मेंटालिटी उसके बाद क्या होगा ये अपने एक पॉइंट आएगा जब ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा आइडिएशनल मेंटालिटी जब एक्सट्रीम पे पहुंचा कुछ काउंटर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं और कुछ रीजंस की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है और ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचता है जिसको हम बोलते हैं सेंसेट मेंटालिटी जो आपका प्रेजेंट सोसाइटी है जहाँ पे ये अगर स्पिरिचुअल सोसाइटी है तो ये मटेरियल सोसाइटी है ये एक दूसरा एक्सट्रीम है ठीक है जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो कुछ काउंटर फोर्सेज जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वापस नीचे आना शुरू हो जाता है और ये जो एक ट्रांजिशन फेज बीच में आता है सेंसेट मेंटेलिटी से आप आइडेशनल की तरफ जा रहे हो या आइडेशनल की तरफ से सेंसेट की तरफ जा रहे हो बीच में एक फेज आता है जिसको हम आइडियलिस्टिक मेंटेलिटी कहते हैं जिसमें विच इज सिंथेसिस ऑफ बोर्ड टू जिसमें इसके भी एलिमेंट्स होंगे एंड इसके भी एलिमेंट्स होंगे ठीक है तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी एक एक्सट्रीम पे पहुंच गए, वहां पे कुछ फोर्स जनरेट होगी उसकी वजह से चेंज होना शुरू हो गया आप फिर आप रस्ते में मिलते हो आइडियलिस्टिक मैंटेलिटी से और दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचते हो फाइन और ये जो आइडियलिस्टिक मैंटेलिटी एक ट्रांजिशन फेज है दोनों का जिसमें एक सिंथेसिस होगा दोनों के एलिमेंट्स का फिर सेंसेट का जब एक्सट्रीम आ जाएगा वापस आना शुरू हो जाओगे आप तो इसको इस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया था इन्होंने ये तो कहा था एक्सट्रीम के बाद कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे वो जनरेट होने के क्या रीजनस है और कौन से फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे फाइन वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था तो ये इसका क्या है एक आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है अब आ, ये देखते हैं हम ओके ने कंसिडर किया था दैट सोशल चेंज अ ट्रेंडलेस साइक्लिकल पैटर्न है एक स्विंगिंग पेंडुलम की तरह कल्चर मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड देन बैक इन अनदर आइडिएशल कल्चर जो है एम्फिसाइज करता है दो थिंग्स को विच कैन बी परसीड ओनली बाय माइंड ठीक है ये एब्स्ट्रैक्ट है रिलीजियस है कंसर्न विद फेथ एंड अल्टीमेट ट्रूथ आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल मेंटेलिटीज में होती है ये ऑपोजिट ऑफ सेंसेट कल्चर है जो प्योर टाइप रिप्रेजेंट करता है ऑफ कल्चर का हैंस नो सोसाइटी एवर फुली कन्फर्म टू टू ईदर टाइप क्योंकि दोनों प्योर टाइप में ये करते हैं बोथ रिप्रेजेंट प्योर टाइप एक्सट्रीम जो मैंने कहा ना आइडिएशन आप स्पिरिचुअल में भी एक्सट्रीम पे जाते हो फिर यहाँ पे मटेरियल में भी एक्सट्रीम पे जाते हो तो कोई भी सोसाइटी फुली कन्फर्म नहीं कर सकती है दोनों चीज़ों पर तो इस वजह से जो काउंटर फोर्स आते हैं वो आपको फोर्स करते हैं नीचे आने के लिए और ट्रांजिशन फेज में आपका सिंथिस आता है इन बोथ Sensate culture stresses those things which can be perceived directly by senses. It is practical, and hedonistic, sensual and materialistic. Like Spengler, Sorokin regarded the western culture of his time as sensate and declining, overripe and ready to swing to the other extreme which is ideational culture which emphasises on religion.

सोसायटी इज कंटेन बोथ दीज इंपल इन वैरिंग डिग्रीज एंड द टेंशन बिटवीन दम क्रिएट्स ए लॉन्ग टर्म इन इनस्टेबिलिटी जो साइक्लिकल थियोरीज है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर वेरियस रीजनज बींग टू एब्सट्रैक्ट एंड स्पेकुलेटिव सरो की थियरी इज कंसिड टू बी टू स्पे्युलेटिव एंड इंपॉसिबल टू टेस्ट साइंटिफिकली सरोकि की थियोरी हज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई द सोशालजिस फॉर इट पोट्रेस प्रेजिस एंड प्रोबेली हज डिस विद म मॉडर्न सोसायटी हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसेट एंड आइडिएशन आर प्योरली सब्जेक्टिव है इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एज टू वाई सोशल चेंज शुड टेक दिस फॉर्म तो ये नहीं बोलते हैं कि क्यों ऐसा होगा कि एक सोसाइटी एक ही तरफ के एक्सट्रीम पे जाएगी ठीक है और फिर चेंजेस डेवलप हो जाएंगी कि क्यों वहाँ चेंजेस डेवलपमेंट हो जाएंगी अगर वो सोसाइटी चल रही है तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं की और एम्पेरिकली भी टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो प्योरली कंफर्म कर सके कि वहाँ पे बिल्कुल आइडिएशनल मेंटेलिटी चल रही है या बिल्कुल सेंसेट मेंटेलिटी चल रही है ये चीज़ें भी तो एम्पेरिकल नहीं है उस हिसाब से एंड देन आपके पास इन्हें और भी एक चीज कही थी कि थोड़ा डिस्गस दिखाता है टुवर्ड तो सेंसेट मेंटेलिटी क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे हो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकलिस्टिक से और इसको आप थोड़ा स्टेबल रिलिजन चीजों से रिलेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बायस भी है इसमें ये होगी आपकी साइक्लिकल थियरीज आई होप ये क्लियर होगा इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करती हूँ बस बदले में आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करो और वो भी आप सही से नहीं कर रहे हो तो चलो आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चुर ऑफ सोशल चेंज ऑफ पार्सन ये वही पार्सन का सारा कॉन्सेप्ट है क्या सोशल चेंज कैसे आती है इक्विलिब्रियम का क्या कैसे जनरेट हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है उसको दोबारा हम रिस्टोर करते हैं थ्रू डायनामिक इक्विलिब्रियम तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक पार्सन का जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं ठीक है तो आप वो पहले देखें वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है सिस्टम्स व्यू ऑफ सोशल चेंज इसमें आपका वो एजल मॉडल वाला वीडियो आ जाएगा वो एजल मॉडल से आपको क्लियर हो जाएगा सिस्टमिक व्यू क्या है चेंज का थोड़ा एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सोशल चेंज देखते हैं एवोल्यूशन थियर इसकी तरह वो भी कहते हैं सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है ठीक है और उन्होंने कहा था जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है फ्रॉम सिंपल हंटिंग गैदरिंग टू कॉम्प्लेक्स इज सीन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी जितनी उसका एडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतनी वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को जो है वो अडेप्ट करना उसके लिए ईजी हो जाएगा जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंट्रोल ओवर द इवायरमेंट इंक्रीजेस ठीक है एनवायरमेंट पे कंट्रोल आपका बढ़ता जाएगा लेकिन ये पोज करेगा प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन वो कैसे पोज करेगा देखो एनवायरमेंट पे कंट्रोल का बढ़ने का क्या मतलब है रिसोर्स पे कंट्रोल बढ़ेगा और हमें पता है रिसोर्सेज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्केयर्स होते हैं तो उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा सोसाइटी में ठीक है तो उसे क्या होगा कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से इंटीग्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन है ये आप सॉल्व कर सकते हो जनरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज से वही आपका कॉन्सेप्ट आ ये शेयर्ड वैल्यूज का जो शेयर्ड वैल्यूज सोसाइटी में अगर सारे उनपे बिलीव करते हो वो शेयर्ड वैल्यूज अगर सोसाइटी की होंगी यूनिटी वाली कोहेसिवनेस मेंटेन करने वाली तो ये जो प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन के ख़त्म होने की वो आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हो द सोशल इंटीग्रेशन सोशल ऑर्डर आर मेंटेन बाय द जनरलाइजेशन ठीक है तो सोशल चेंज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन फिर स्पेशलाइजेशन एंड लास्ट में अडेप्टशन ये तीन की वर्ड्स आप याद रख सकते हो पर्सनस के परस्पेक्टिव में बाकी जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ये मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखें पोस्ट मॉडर्निज पर्सपेक्टिव क्या है ऑन सोशल चेंज का हमें पता है पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो मॉडर्निस्ट का आप उनको काइंड ऑफ क्रिटिक बोल सकते हो क्योंकि इनसे मॉडर्निस्ट बात करते थे एक रैशनल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की या जनरल वैल्यूज़ की उसको ही निगेट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैल्यूज़ या यूनिवर्सल लॉज वगैरह तो उसको ही निगेट करते थे कहते थे कि नहीं जो सोसाइ जो रियालिटी है बेसिकली वो हम कंस्ट्रक्ट एंड रिकन्स्ट्रक्ट करते रहते हैं और ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो अप्लाई सब पे होगा ठीक है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने क्या कहा है इसी का एक स्ट्रैंड है फेमिनिस्ट सोशोलॉजी जिन्हें इसके बारे में कहा है इट इम्फिसाइज सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर इन सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट सोशल रियालिटीज़ व्यूड डिफरेंटली बाई टू सेक्सेस ठीक है जो मेल के लिए सोसाइटी है वो फीमेल के लिए नहीं होगी ये अपने लेंस से सोसाइटी को देखता है एंड फीमेल अपने लेंस से सोसाइटी को देखती है raising awareness rising awareness of rights feminization of workforce and women's movement jo hain they are seen as new dimensions of social change to jahan ye feminist sociology social change ki baat karengi to jitni awareness ho jayegi rights ke related ya feminization hoga workforce ka that means uh, women participation zyada hogi ya jitni women movements chalengi wo as dimension batayega social change ka Derrida and Michael Foucault ने ले किया था foundation of post-structuralism. अब देखो structuralism है और post-structuralism है ये भी दो concepts हैं स्ट्रक्चरलिज्म करनी होगी देखना है, किसी भी का हमें देखना है कि उसके जैसे या बाकी स्ट्रक्चर्स फैमिली रिलीजन या लैंग्वेज वगैरह वो कैसे बना हुआ है लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं किसी भी चीज को मीनिंग को देखने के लिए हमें उनका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा क्योंकि जो मीनिंग होते हैं उनमें कंटेजेंसी होती है कंटेंजेंट होते हैं दिस इज योर कंडीशनल वो किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है किसी एक कंटेक्सट के अंडर होता है तो हमें वो कंटेक्सट पे फोकस करना चाहिए ना के स्ट्रक्चर पे ठीक है फूको ने एनालाइज किया था जो इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है साइन ऑफ इंक्रीजिंग सर्वेन्स एंड डिसिप्लिन सोसाइटी पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी इज नॉट डेस्टिन टू सोशलिज्म जैसे कि मार्क्स ने कहा था बट इट इज मोर लाइकली टू बी मल्टी कल्चरल एंड डायवर्स सो दट ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ सोशलॉजी विल प्रूव इन सफिशेंट फॉर टू अकाउंट फॉर द सोशल चेंज ठीक है तो ये कुछ थोड़ी बहुत बातें इसमें आप लिख सकते हो मॉडर्न पर्सपेक्टिव सोशल चेंज को लेके क्या क्या हुआ था उसमें आप फेमिनिस्ट का लिख सकते हो थोड़ा एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल का लिख सकते हो कि इन्होंने चेंज वैसे नहीं कहा था जैसे मार्क्स ने कहा था पहले सोशलिज्म वगैरह आएगा इनने कहा था बल्कि सोसाइटी जो है वो मल्टीकल्चरल होती जाएगी और अकॉर्डिंगली मल्टी कल्चरल डाइवर्स होती जाएगी जो आपके जिससे जो पुराने एक्सप्लेनेशन थी सोशल चेंज की आपके लिए वो इनसफिशिएंट हो जाएंगी ठीक है तो अगर आपको किसी भी चीज के कल्चर को समझना होगा आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना है उस चीज़ को तो ये हो गया आपका साइक्लिकल थ्योरी उसमें सोशल चेंजेस में बहुत थियरीज पढ़ ली एवोल्यूशनरी थ्योरी फिर साइक्लिकल थ्योरी फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन का भी इसमें आ गया फिर पोस्ट मॉडर्निस का भी आ गया एंड आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फिर है हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी आज तो ये खत्म करके रखेंगे ये चैप्टर ताकि आपका पेपर ए जो है वो कवर हो जाए देखो डेवलपमेंट क्या होता है ये बोलने की जरूरत है चलो अब टॉपिक है तो बोलना ही पड़ेगा डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑबस्टिकल्स टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ सच एज इलिटरेसी इल हेल्थ लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज और लैक ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल फ्रीडम जब ये चीजें आप खत्म करोगे ये ऑब्सटिकल्स को रिमूव करोगे दैट मीनस आप सही पाथ पे जा रहे हो आप डेवलपमेंट के पाथ पे जा रहे हो यहीं पे एक डिपेंडेंसी कल्चर लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं हमने पहले भी पढ़ा है चार्ल्स मुरे ने टर्म पॉपुलराइज किया था इसका क्या मतलब वो जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं जब वो एक्स्ट्रा वेलफेयर मेजर्स आपको देने लगती हैं ठीक है ज्यादा वेलफेयर मेजर्स पे ध्यान देती हैं आप इनकेपेबल इंडोलेंट हो जाते हो और स्टेट पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हो और आपकी जो सेल्फ रिलायंस केपेबिलिटी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है ठीक है एक डिपेंडेंसी कल्चर बनता है जहां पे आप स्टेट डिपेंडेंट हो जाते हो अब हम अभी तक क्या देखते हैं डेवलपमेंट इसके काफी डायमेंशन है लाइक कल्चरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोलिटिकल डेवलपमेंट इजेशन इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन लीडिंग टू फुल रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल इन सोसाइटी सिंपल इंग्लिश में लिखा सिंपल सी बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है थोड़ी डेवलपमेंट को लेके डेवलपमेंट के रिलेटेड तो पहले डेवलपमेंट मतलब जो क्लासिकल सोशलॉजिस्ट है वो डेवलपमेंट को क्या बोलते थे वो एवोल्यूशनरी मॉडर्न मॉडल दिया था उन्हें सोसाइटी का तो जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जर डेवलप हो रही है रैशनल हो रही है साइंटिफिक हो रही है पुराने सारे सोशलॉजिस्ट का कहना यही था तो आप बोल सकते हो एक बायस है एक वेस्टर्न बायस है, है उनकी इसमें थियोरीज में, में क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी जो उनके रेफरेंस पॉइंट वेस्टर्न सोसाइटीज़ को लेके बोलते हैं उसको वो डेवलप्ड बोल रहे हैं फाइन इसको एक वेस्टर्न बायस से उनको एक्यूज किया गया क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया इंजीनियस अप्रोचेस को जो बाकी अप्रोचेस आ रही हैं जो आपको डिफाइन करती हैं डेवलपमेंट क्या होता है और वो जो अप्रोचेस हैं कंटेम्प्रेरी नोशन वो स्ट्रेस करती हैं जस्टिस राइट्स इक्वालिटी इक्विटी ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडिविजुअल लिबर्टी रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं तब अब डेवलप हो रहे हो लेकिन क्लासिकल सोशोलॉजीज जो थेरीज लेके आए थे उनमें एक वेस्टर्न बायस था फाइन अब ओवर द ईयर जो डेवलप्ड कंट्रीज है इवाल्व देयर ओन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच ऑज प्राइमरी फोकस्ड ऑन मटीरियल वेलबींग उनका अपना मॉडल था डेवलपमेंट का जो किस पे फोकस करता था मटीरियल वेलबींग well पे और उन्होंने इनफैक्ट यही इम्पोज किया था ऑन द न्यूली लिबरेटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता था काफी कंट्रीज जो थी इंडिपेंडेंट हो गई थी तो उन कंट्रीज ने रेफरेंस पॉइंट बनाया था वेस्टर्न सोसाइटीज को या वेस्टर्न कंट्रीज को या वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो डेवलप हो गई थी अब वो चाहते थे कि जो बाकी अब जो लिबरेट हुई हैं वो उनको एज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेके काम करें वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकिन फिर ऐसा देखा गया कि ये कंट्रीज जो है जो न्यूली इंडिपेंडेंट है वो डेवलप तो नहीं हो रही लेकिन उनका आउटफ्लो हो रहा है रिसोर्सेज का रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं पॉवर्टी बढ़ रही है एंड वर्स्ट ऑफ ऑल एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज पे ठीक है तो वो जो था एक फॉल्स व्यू था डेवलपमेंट का जो क्रिएट किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू सेकंड वर्ल्ड वॉर के वर्ल्ड वॉर के बाद उन कंट्रीज के लिए जो नई इंडिपेंडेंट या न्यूली लिबरेटेड नेशंस थे ये सारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ कि कैसे पॉवर्टी बढ़ गई डिपेंडेंसी बढ़ गई वेस्टर्न कंट्रीज पे इसने राइज दिया एक नई सेट ऑफ थियरीज को जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी थियोरीज इसीलिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी जो फॉल्स नरेटिव क्रिएट किया था डेवलपमेंट का उसकी वजह से डिपेंडेंसी थियरीज आ गई नाइनटीन में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो जी देर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में थी और उनको लगता था जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या कर रहा है वो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप्ड कंट्रीज पे ठीक है वो उस उनको जो है प्रॉस्पेरस नहीं बना रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को बल्कि वो उनको डिपेंड करवा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज पे अब लैटिन अमेरिकन कौन सी आपकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज ठीक है या छोटी छोटी कंट्रीज आपकी इक्वेडोर कॉस्टरिका Uh, और इसमें आकी ब्राज़ील अर्जेंटीना चिली ठीक है वो सारी कंट्रीज आपकी उन्होंने रिजेक्ट किया आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन को जो मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट को बोलते थे दैट दे रीच द बॉटम मोस्ट इन इट्स ओन ड्यू कोर्स अब देखो ये जो डेवलपमेंट की थियोरीज थी या जो डेवलपमेंट और मॉडर्निटी के थियोरीज थे वो कहते थे जो डेवलपमेंट है इसका टॉप डाउन अप्रोच होगा दैट मीन्स अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करवाएंगे उसका जो इम्पेक्ट है वो ट्रिपल डाउन होकर जो नीचे नीचे वाले तबके हैं नीचे वाली कंट्रीज हैं आपकी अंडर डेवलप या अभी अभी लिबरेट हुई हैं या अभी काम करी हैं टूवर्ड्स डेवलपमेंट उनपे उसका बेनिफिट आएगा एक सोसाइटी में भी अगर हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं तो क्या कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो अपर ब्रांचेस पर जानी ये अपर डिपार्टमेंट्स पे और जो ऐसा ऐसा उसके बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन करेगा टू द लोएस्ट ब्रांच लोएस्ट ब्रांच ठीक है ये टॉप डाउन अप्रोच हुआ इसका उल्टा क्या होता है बॉटम्स अप्रोच कि जो डेवल बॉटम्स अप कहता है कि जो डेवलपमेंट ये डिवला, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपको उनको ही डेवलप करना है वो खुद ही फिर उसका इम्पैक्ट आपको ऊपर तक जा देखने को मिलेगा सोसाइटी के रेस्पेक्ट में क्या बोला जाएगा कि जो फंड आते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी वो आप सीधे ही जो सबसे लोएस्ट ब्रांच है सोसाइटी का लोएस्ट स्ट्राटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो लोवेस्ट लेवल है उस उसपे वो फंड्स आप डायरेक्टली यूज करो फिर जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा थोड़ा प्रोग्रेस का या प्रॉस्पेरिटी का वो खुद ही आपको जो टॉप लेयर है उसमें वो चेंजेस देखने को मिलेंगी तो ये बॉटम्स अप्रोच हुआ आपका ये आपका टॉप डाउन अप्रोच हुआ ठीक है तो इन्होंने क्या कहा था उन्होंने रिजेक्ट किया था बॉटम्स डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच सॉरी जिसलिए बॉटम्स अप अप्रोच बॉटम्स अप उनने रिजेक्ट किया था टॉप डाउन अप्रोच को कि आप डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप बनाओ और उसका जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन करेगा जो कि लोएस्ट कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज है ठीक है ये ऑफ शूट थे मार्क्सिस्ट थिंकिंग के क्योंकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के अंदर थे वो कहते थे एक्चुअली हुआ क्या है वर्ल्ड में ग्लोबल हैव्स एंड हैव नॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अनु हाईली अन ग्लोबल नॉर्थ एंड आपकी जो ग्लोबल साउदर्न कंट्रीज हैं जो आपकी अभी अभी न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज थी आपकी जो पोअर कंट्रीज आती थी according to it through colonialism has though colonialism has officially ended but it continues to be practiced in a disguised manner and developed countries prevent the development of underdeveloped countries for their own vested interests तो एक्चुअली वो क्या हुआ है कॉलोनलिज्म जो है वो ऑन पेपर तो खत्म हो गया लेकिन उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं और जो वो एटमोसफेयर क्रिएट करती है डिपेंडेंसी का कि रिसोर्सेज वहाँ से लेके आएंगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से वहाँ से वो ह्यूमन रिसोर्स लेके आती हैं उनको कम पे करेंगी या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं मैनुफेक्चर गुड्स हैं उनको हाई कॉस्ट पर बेचेंगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो जो कॉलोनिज्म का जो साइकिल है अभी भी वो डिपेंडेंसी क्रिएट कराने का वो कॉन्टिन्यू हो रहा है ठीक है अपने प्रॉफिट्स के लिए अपने इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रिस एयर इज रिगार्ड पावर इकोनॉमिक, मिलिट्री सॉफ्ट पावर एस सेंट्रल टू एनफोर्सिंग इकोनॉमिक अन इक्वल इकोनॉमिक रिलेशंस ठीक है तो आपका जो एनफोर्स करवाते हो इकोनॉमी, इकोनॉमिक पावर अपना मिलिट्री पावर या सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर तो इसमें तो कोर से पावर से नहीं बाकी चीज़ों से कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हो उनके कल्चर से मास मीडिया से जैसे इंडिया के अगर एग्जांपल ली जाए सॉफ्ट पावर की तो योगा अगर योगा को हम ग्लोबल बनाते हैं दैट मींस हमारा सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं आपके अन एकक्वल रिलेशन क्रिएट अनिक्वल इकोनॉमिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशन अब डिपेंडेंसी थियरी जो है ये ऑल्सो इज अ रिएक्शन टू कन्वेंशनल विजडम ऑफ डेवलपमेंट विदोर्ट्स अ वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ठीक है ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसको अपोज करता है कन्वेंशनल विजडम ऑफ डेवलपमेंट जिसने सपोर्ट किया था एक वेस्टर्न बायस वाली डेवलपमेंट ठीक है जो वेस्टर्न कंट्रीज को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं हैं डेवलपमेंट का आगे देखते एंड्री गडो फ्रैंक ने अपनी बुक डेवलपमेंट ऑफ दी अंडर डेवलपमेंट में कहा था जो कंट्रे कंटेम्प्री अंडर डेवलपमेंट चल रही है लैटिन कंट्रीज की वो एक्चुअली डिफरेंट है अन से ठीक है ये अंडर डेवलपमेंट है जो करेंटली चल रही है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अन अनडेवलपमेंट होगा जो कंट्रीज़ की अपनी सिचुएशन की वजह से होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशंस करप्ट हैं ठीक है लो स्किल लेबर है टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा नहीं है टेक्निकल एजुकेशन जो है वो लो है जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ नहीं हैं साइंटिफिक सोसाइटीज डिक्लाइन हो गई हैं मतलब प्रेजेंट ही नहीं है तो इस चीज़ की वजह से अनडेवलपमेंट है लेकिन इन्होंने कहा था जो एक्चुअली ये अंडरडेवलपमेंट चल रही है ये अनडेवलपमेंट की वजह से नहीं है ये है आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी की वजह से जो वेस्ट ने क्रिएट की है क्योंकि खुद पे डिपेंड करवाया है इन कंट्रीज uh, को ठीक है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो रहे हैं कॉलोनलिज्म एंड कैपिटलिज्म जो है लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉलोनीज इन टू ए वर्ल्ड इकॉनमी इन ए सबसर्वेंट मैनर इसकी वजह से कॉलोनलिज्म अभी चल ही रहा था ऑल दो जब खत्म भी हुआ लेकिन कैपिटलिज्म चल गया था तो खुद पे उन्हें डिपेंडेंसी थ्रू कैपिटलिज्म क्रिएट की थी ठीक है और ये चीज़ सॉफ्ट पावर से भी आगे फर्दर इंक्रीज होगी क्योंकि आप कल्चर ज़्यादा एम्बाइव करते हो वेस्टर्न western का वेस्टर्नाइजेशन आपको वही ब्रांड्स पसंद है वही चीज़ें पसंद हैं वही कपड़े पसंद हैं फाइन उन्हीं जगहों पे जाना पसंद है जो एक्चुअली कहाँ के हैं आपके फॉरेन से आई हैं जो चीज़ें ठीक है फॉरेन के जो आउट फूड आउटलेट्स है यहाँ पे जिनकी चेन्स बनी हुई है वहाँ पे जाना ज्यादा पसंद है तो ये सब माहौल ने क्या किया है एक डिपेंडेंसी क्रिएट की है वेस्ट पे अब वेस्ट क्या करता है उसके सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो वेस्ट ले जाते हैं उन सब चीजों के ठीक है तो इससे वो तो फ्लरिश हो रहे हैं लेकिन यहाँ का कंजम्पशन कल्चर जो है वो उस तरीके का बन रहा है कि डोमेस्टिक चीजें थ्राइव नहीं कर रही हैं और कहीं भी अगर आपको इकोनमी को थ्राइव करवाना है तो आपको वहां के मैन्युफैक्चर वहां के डोमेस्टिक चीजों को भी बूस्ट करना होगा लेकिन जो वेस्ट ने आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी क्रिएट की है इससे इनकी ही इम्प्रूवमेंट हो रही है अकॉर्ग टू हिम दो एडम स्मिथ जो है उन्होंने कहा था ग्लोबल ट्रेड जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी भी बेस्ड है लेकिन जो पावरफुल रिच कंट्रीज़ हैं वो इम्पोज करती है अनइकवल टर्म्स इन द नेम ऑफ़ फ्री ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेल्प वो हेल्प तो दे देती है डेवलपमेंट के लिए और फ्री ट्रेड के नेम पे ट्रेड जाती है उनके बीच में बढ़े लेकिन देन वो एक आ, उनका एक जाल ही होता है ताकि वो फंसा सके वो ट्रैप कर सके उन बाकी कंट्रीज़ को और जो सरप्लस आता है बाई ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकन अवे बाई द डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है तो वर्ल्ड वर्ल्ड टीम ने हमें एक थियोरी भी दी थी वर्ल्ड uh, सिस्टम थ्योरी इसको लेके जो हम अभी नीचे देखेंगे यहां पे एक्सप्लेन करूंगी मैं वर्ल्ड सिस्टम मॉडल इन्हें पर्पचेट किया है कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी इन फॉरवर्डिंग हॉल स्लोगन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इन टर्न सकिंग आउट द सोर्स ऑफ लेसर डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने कहा था सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स ऑफ प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है दे आर नाउ अ विक्टिम ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म और जो न्यू डिपेंडेंसी है उन्होंने हाईलाइट किया था स्टॉलिंग ऑफ दोहा डब्लू टू टी ओ ठीक है स्टॉल क्यों हुआ था दोहा मीटिंग क्यों इनकी स्टॉल हुई थी क्योंकि बेसिकली जो ट्रेड नेगोसिएशन है वो कहीं पहुंच नहीं पाई थी बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड वो क्यों नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि ऐसी नेगोशिएशंस हो रही थी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ठीक नहीं है अंडर डेवलप्ड क्या चाहते हैं कि ये अपने फार्मर्स को और अपने इसको बूस्ट करने के लिए अपनी इकोनमी को एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा दूसरे मार्केट में जब वो चीज़ जाएगी और वो एज कम्पेयर टू उस चीज़ के जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है वो सस्ती होगी तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इस चीज़ पर एतराज़ जाहिर करते हैं कि इंडिया की बात ले लेते हैं इंडिया क्यों एग्रीकल्चर सब्सिडी ज़्यादा रखता है लेकिन हमें ऐसा यहाँ पर सिस्टम है क्योंकि मेजोरिटी एग्रेरियन है अभी भी रूरल पॉपुलेशन है पॉवर्टी बहुत हाई है सब फूड सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से फॉरेन मार्केट में वो चीज़ उनके डोमेस्टिक चीज़ से सस्ती हो जाती है ठीक है तो इसका जो एतराज़ है वो डेवलप्ड कंट्री जाहिर करती है इसकी वजह से दोहा टॉक्स भी स्टॉल हो गए थे क्योंकि कोई नेगोशिएट वही नहीं कर पाए थे बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इन्टेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड हैज गिवन टू स्वेट शॉप्स इन है अब वो स्वेट शॉप्स क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ाया था बताया था मैंने आपको जैसे चाइना वगैरह में स्वेट शॉप्स होती हैं उसमें बहुत ही वाहियात कंडीशन में आपको काम करना पड़ता है कभी कभी ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए भी आपको काम करना पड़ता है इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि उनको शायद डायपर एडल्ट डायपर्स भी पहनाते हैं क्योंकि वॉशरूम ब्रेक भी उनको नहीं मिलती है और इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी चाइना स्वेट शॉप्स में कि उनको सुसाइड नेट्स लगाने पड़े थे ताकि लोग जो है वो मरे ना क्योंकि लोग कूद के खुदकुशी करना शुरू कर देते थे इतनी ज्यादा बुरे हाल होते थे तो आपका प्रोडक्शन मतलब ऐसे लेवल का हो गया है कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा थ्राइव कर रहा है और इतने प्रोडक्ट्स उनको चाहिए इसके लिए स्वेट शॉप्स बन गई गरीब कंट्रीज में अनडेवलप डेवलप्ड कंट्रीज में कि उनसे इतनी मेहनत करवाओ उनको प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बनाएं वो प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में जाए और कैपिटलिस्ट उसका प्रॉफिट ले लें और जो गरीब इंसान उस स्वेट शॉप में काम कर रहा है उसको मीगर सैलरी वेज दे के आप छोड़ दो ठीक है ये प्रॉब्लम थी अब यहाँ थे वर्ल्ड सिस्टम थियोरी देख लेते हैं वर्ल्ड सिस्टम थियोरी इन्होंने क्या कहा था बेसिकली कंट्री को तीन इसमें डिवाइड किया था कोर में सेमी सेमीपेरीफ्री में एंड पेरीफ्री में कोर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज होगी डेवलप्ड हाईली इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कंट्रीज सेमी सेमीपेरीफ्री में कहीं आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स डेवलपमेंट चल रही हैं अंडर डेवलप्ड और ये आपकी बिल्कुल ही आ, हो गई वो गरीब पोअर नेशंस तो जो कंट्रीज़ है वो यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ होती रहती है कि सेमी पेरे से बीच में पेरेफ्री में आ गई पेरेफ्री से सेमी पेरेफ्री में कोई अंडर डेवलप इसमें फॉल किया गया फिर कोई पेरे आके थोड़ा इंप्रूव हो सेमी पेरेफ्री में आ गया लेकिन जो चंद कोर कंट्रीज़ हैं वो कोर में ही रह जाती हैं ठीक है तो ये क्या करती हैं यहाँ से रॉ मटीरियल्स और लेबर चीप ले लेती हैं और अपने हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स यहाँ बेचती हैं इन मार्केट में इनके लिए वो चीज़ महंगी पड़ जाती है ये नेशन महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं उसका प्रॉफिट सरप्लस कहाँ जाता है सारा कोर नेशंस में तो कोर नेशंस का प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या बढ़ रही है पॉवर्टी और जो यहाँ से चीप लेबर जा रहा है दैट मीन्स आप लेबर को कम पैसे दे रहे हो तो थ्रू रेमिटेंस जो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं लेस इनकम वहां के लोगों की लेस मनी इनफ्लो हो रहा है लेस मनी इनफ्लो और यहाँ पे क्या हो रहा है हाई प्रॉफिट आउटफ्लो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था आपने वर्ल्ड सिस्टम मॉडल में वॉलस्टिन की तो अगर एग्जाम में आएगा उसमें आप ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है डेवलपमेंट ट्रूली मीनिंगफुल होती है इफ़ इट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ठीक है डेवलपमेंट जो अनइक्वल होगी उसमें डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी ट्रू डेवलपमेंट क्रिएट सीनर्जी ठीक है एंड नॉट डिपेंडेंस आप सब इकट्ठे मिलकर काम करते हो डिपेंड नहीं कर कर आते हो एक को दूसरे पे वो ट्रू डेवलपमेंट होती है इन इंडिया टू दिस डिपेंडेंसी इज क्रिएटेड बाय द अनइक्वल डेवलपमेंट एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट से फाइन वो गिनी क्वेश्चन आप याद करो मेजोरिटी नाइनटी नाइन परसेंट जो वेल्थ है वो वन परसेंट लोगों के पास है <coughs> विजनरीज लाइक महात्मा गांधी उन्हें विजुलाइज़ किया था इस सिचुएशन को और उन्हें कहा था ग्रास रूल ग्रास रूट लेवल एम्पावरमेंट करो विलेजेस में जो पंचायती राज वाला सारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहीं से आया था उन्होंने कहा था डिसेंट्रलाइज करो पावर को और अप अप्रोच जो मैं अभी आपको सिखा रही थी वो यही था कि आप जो बॉटम के पहले जो तबका है लेवल है उसको इम्प्रूव करो तो आपको उसके जो चेंजेस हैं वो अपर लेवल पे खुद ही देखने को मिलेंगे डिपेंडेंसी कैन बी कटेल्ड ओनली थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ दोस्व आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस उनको आप एम्पावर करो ठीक है और न्यू अप्रोचेज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट बेस्ड अप्रोच बॉटम्स ऑफ डेवलपमेंट आर इमर्जिंग एज वेरिएबल ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट जिन्होंने डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट की है आई होप ये समझ में आ गया हो आपको सारा नहीं आया तो आई एम हेयर आप मुझे मेल कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं आई कैन ऑलवेज रिपीट दिस टॉपिक बट आई होप मैंने काफ़ी आपको ब्रेक करके समझाया है तो आपको समझ में आ गया होना चाहिए ये वही वर्ल्ड सिस्टम थियोरी को यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे करके वो कोर कंट्रीज़ कौन सी होती हैं पेरी फ्री ठीक है सेमी पेरी फ्री वाली कंट्रीज ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल लिखी है जो हमने पढ़ी अभी तक अब डिपेंडेंसी थियरीज जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया है लिबरल्स ने क्योंकि वो अच्छा मानते थे इसको जो आपकी वेस्टर्न डेवलपमेंट है उसको उनका कहना था जो वेस्टर्न डेवलपमेंट हुई है ये सेंचुरीज का, का काम है ये नहीं है कि आज आप

हैज बीन दट द स्कूल डज नॉट प्रोवाइड एनी सबस्टैशल एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट इट्स आर्ग्यूमेंट इन्होंने इतनी सारी थियरीज तो दे दी डिपेंडेंसी की लेकिन कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है दे ऑल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी ई स्टेशन इकोनमीजी एंड इवन लैटिन अमेरिकन इकानमीज कंटिन्यू लाइक ब्राजील एंड मेक्सिको तो अगर ये डिपेंडेंसी है तो ये इतनी जल्दी डिवेलप कैसे हो गए अमृत सेन ने रिजेक्ट की डिपेंडेंसी थियरी इन आर्ग्यूज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड रेवल्यूशनरी चेंजेज जो भी होती हैं सोशल सेक्टर्स में लाइक हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन है ना पढ़ाई के लिए आप बाहर जा रहे हो हेल्थ में भी कितने ये चेंजेस आती हैं कम्युनिकेशन में कितनी चेंजेस आती हैं वो सारी आप टेक्नोलॉजीज कहाँ से लेके आते हो आप फॉरेन कंट्री से लेके आते हो बाद में काम करते हो उन पे यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करते हो दे हैव अचीव रिजल्ट्स इन अ मैटर ऑफ अ डेकेड वेयर डेवलप्ड कंट्रीज हैव दिस इन सेंचुरीज लिबरल हैल साइट एग्जाम्पल होस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ दियर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ले लो नॉर्थ कोरिया क्लोज इकॉनॉमी थी और साउथ कोरिया एक लिबरल इकनॉमिक पैटर्न दैट मीनस आपकी कैपिटलिस्ट कंट्री टाइप जो है वो उन्होंने वो अडॉप्ट किया था और अभी टू थाउजेंड थर्टीन की एक रिपोर्ट में देखा गया साउथ कोरिया की जो इनकम है वो एटीन टाइम ज्यादा है दन द इनकम ऑफ नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है वो हमें पता ही है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया जो एक प्रॉस्पेरियस नेशन है ठीक है तो ये कुछ पाँच छः पॉइंट्स हैं जो आपको इनके क्रिटिसिज्म के लिए याद रखने होंगे पहले मैं इरेज कर देती हूँ गनार मिडाल का एक पॉइंट है ठीक है है नॉट प्रोवाइड एविडेंस नहीं दूसरा पॉइंट है इसका ये फेल टू अकाउंट की जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ईस्ट एशियनिक कंट्रीज कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की वो कैसे हुई है फिर अमरते सेन का आ गया डिपेंडेंसी थियरीज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह और लिबरल इकोनॉमिस्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं वो इसका फिफ्थ पॉइंट बनेगा तो ये पाँच छह पॉइंट है जो आपको इसके क्रिटिसिज्म में याद रखने होंगे अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आपका एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज अब तीन टॉपिक्स रह गए हैं तो हम जल्दी से कवर करते हैं ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स है सिंपल इंग्लिश में लिखा है बस कोई ऐसा एक्सप्लेन करने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज आपके हो सकते हैं जैसे आ, एंडोजिनस या एक्जोजिनस ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन साइड स्ट्रक्चर और ये आपका जो आउटसाइड की वजह से चेंजेस आई होती है उनको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से उनको एक्जोजिनस बोलते हैं ठीक है तो कुछ यहाँ पे ये यह दिया गया है लिस्ट कैन गो ऑन ऑन एंड ब्रॉडली वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज तो बेसिकली टॉपिक क्या है एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कल्चर की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है ठीक है कल्चर जो है इट इज़ अ लार्ज पॉट ऑफ चेंज इन सोसाइटी कॉज्ड बाई चेंज इन कल्चर कल्चर होता है इज अ सिस्टम दैट कॉन्स्टेंटली लूजेज एंड गेंस कॉम्पोनेंट्स तो कल्चर में एडिशन सब्रैक्शन होती रहती है एसिमुलेशन की वजह से कोई चेंज आ गई ठीक है डिफ्यूजन की वजह से कोई चेंज आ गई इनवेंशन डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन आर कंसिडर टू बी द मेन सोर्सेज ऑफ कल्चरल चेंज ये सारी चीजें इसमें आ गई रिसेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ वेमन इन सोसाइटी इज ऑल्सो एन एक्जाम्पल ऑफ कल्चरल चेंज जो पोजिशन ऑफ वुमेन आई से चेंज हो रही है वुमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है या एल जी बी की कम्युनिटी की जो चेंज आ रही है वो सारी चेंजेस किसे रिलेटेड है कल्चरल चेंज से सेकेंड इज योर आइडियाज एंड वैल्यूज आइडियाज एंड वैल्यूज अगर मॉडिफाई करो आप पुराने उससे भी सोसाइटी में चेंज आ जाती है सोशल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो अगर चेंज होगा तो उससे भी सोशल चेंज आ जाएगी द सीड्स ऑफ चेंज समाइम लाइव विद इन द वेरी सोशल स्ट्रक्चर द चेंज अराइजिंग आउट ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्स इसमें आप कार्ल मार्क्स का दे सकते हो जिन्होंने कहा था सोशल क्लास जो है वॉज अ बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अन इक्वली पोजिशन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिच एंड पुअर इसकी वजह से फाइनली क्या हो जाएगा एक चेंज आ जाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कैपिटलिज्म जो है वो खत्म करोगे आप उसको ओवरथ्रो करेगा और एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी फाइनली कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो हम लेके आएंगे तो ये भी एजेंट है सोशल चेंज का जब सोशल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी होता है जैसे पुराने रेवोल्यूशन हो गए आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ या फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुआ इनसे भी चेंज आ गई सोसाइटी में इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स जैसे सुनामी के बाद कितनी चेंज आई होगी वहां की लाइफ में जापान में ठीक है तो विलेज लाइफ ने ड्रास्टिकली इंपैक्ट किया था बाय सुनामी ग्लोबल वार्मिंग से चेंजेस आती हैं ठीक है तो एन्वायरमेंटल फैक्टर्स से चेंजेस आगी इकनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही इसमें कार्ल मार्क्स की सारी थीयरी इसी भी बे बेस्ड है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर uh, में अगर कोई चेंज आएगी वो आपके सारे इंस्टीट्यूशन को और सारे स्ट्रक्चर को ही चेंज करेगी डेमोग्राफिक फैक्टर्स अगर पॉपुलेशन बढ़ती है बर्थ रेट डेथ रेट या माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इनमें कोई अप डाउन होगा तो उससे भी uh, जो है वो चेंजेस आ जाएंगे सोसाइटी में रिलीजियस फैक्टर्स रिलीजन कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज एज वेल एज रेजिस्ट द चेंज ठीक है अगर आप स्टेटस को मेनटेन रखना चाहते हो तो रिलिजन उसको रेजिस्ट करेगा चेंज को अगर आप कोई चेंज लेके आना चाहते हो अच्छे लेवल्स पर तो रिलिजन कहीं ना कहीं उसको एक एजेंट ऑफ चेंज भी एक्ट करेगा वेबर ने इसमें कहा था प्रोटेस्ट एथिक्स है उससे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में यह हमने पीई एस सी में पढ़ा है पी एस .E सी प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरट ऑफ कैपिटलिज्म टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से भी चेंज आ जाता है ठीक है टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो नॉन मटेरियल चेंजेस भी उतनी ज्यादा सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगी कल्चरल लैग वाला भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज सोसाइटी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी चेंज uh, आ जाएगा स्ट्रक्चरल स्ट्रेन डिप्रीवेशन कल्चर रिवाइटलाइजेशन एक्ट्रा दे हैव बिन द मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है सोशल डिविजन अगर बेस्ड होगा ऑन क्लास कास्ट जेंडर या एथनीसिटी वगैरह उससे भी सोशल चेंजेस आ जाएंगे सोसाइटी में सोशल मूवमेंट्स इतनी सारी आई ही हैं सोशल चेंजेस को लेकर आने के लिए चाहे वो वुमेन मूवमेंट हो फार्मर्स मूवमेंट हो एग्रेरिन मूवमेंट हो तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में वो चेंज आपको देखने को मिलेगा फाइन आगे एजुकेशन सोशल चेंज अगेन वेरी सिंपल टॉपिक एजुकेशन से कैसे सोशल चेंजेस आप ला सकते हो क्या क्या करता है सोशल चेंज के लिए एजुकेशन तो पहले होता क्या है प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ डिस्टिट क्वालिटीज एंड ट्रेड्स थ्रू इंस्ट्रक्शंस आप क्या डिस्टिंग क्वालिटी ऑफ ट्रेड ही डाल रहे हो इंसान में थ्रू एजुकेशन ठीक है वो आप करते हो या थ्रू इंस्ट्रक्शन चेंज ला रहे हो उसके अंदर या थ्रू इम्प्लिस इनहिबिशन एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एमिट्स फैमिली मेंबर्स किन एंड पेयर ग्रुप दिस इज नथिंग बट योर सोशलाइजेशन जो आपकी फैमिली किन या पेयर ग्रुप करती है बस यहाँ पे थोड़ी फैंसी वर्ड्स में उसको लिखा हुआ है तो आपके अंदर कल्टिवेट करवाना कोई क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट या थ्रू इंस्ट्रक्शन या थ्रू सोशलाइजेशन उसको हम एजुकेशन बोलेंगे अब एजुकेशन ने किस किस लेवल पे चेंज लाई है एंड सोशल चेंज आर लिंक्ड कैसे इन फॉलोइंग बेस इनिशिएट करता है सोशल चेंज को आप अगर एजुकेट हो जाते हो तो आप में वो ताकत आ जाती है कि आप सोशल चेंजेस को इनिशिएट कर पाओ क्योंकि अब आपको सही गलत की सही से पहचान होती है ठीक है मेनी ग्रेट इवेंट्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज वर लार्जली बैनर्ज फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी ड्यू टू एजुकेशन इसीलिए हमारे जो अर्लियर फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय था फिर उन्हें ब्रह्म समाज लेके आए थे ज्योतिबाई फूले थे ठीक है इन्होंने एजुकेशन पे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने एजुकेशन पे काफी ध्यान दिया था तो उनको पता था कि अगर आप एजुकेट कर पाओगे मास्टर्स को तो उनके अंदर चेंजेस लाना है वो समझना वो चेंजेस क्यों आनी चाहिए वो ईजी हो जाएगा कैपेसिटी टू वेलकम चेंज अगर कोई पॉजिटिव चेंज है आप उसको अच्छे से वेलकम करोगे उसको करोगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जैसे आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एक स्कूल में आप डिफरेंट कास्ट से डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से आते हो लेकिन फिर भी उस सेटअप में आप आराम से एडजस्ट हो जाते हो क्योंकि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है हर क्लास जेंडर कास्ट रिलीजन को मॉरल एजेंट भी है, आपको मॉरली भी करेक्ट करता है आपके अंदर वैल्यूज लेके आता है लाइक एंड रैशनल इन्वेस्टिगेशन ये अपग्रेड करता है पर्सनल स्किल्स एंड मेक मेंबर्स मोर वैल्यूबल इन सोसाइटी एरिस्टोटल ने कहा था वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्ट्स टेम्परेट बाय परफॉर्मिंग टेम्परेट वंस एंड ब्रेव बाईम परफॉर्मिंग ब्रेव वंस और जो स्कूल है ये हेल्प करते हैं परफॉर्म करने के लिए फंक्शन ऑफ लेंग मॉरल फाउंडेशन इन सोसाइटी ठीक है आगे देखते हैं इकोनॉमिक रोल एजुकेशन जो है इस क्लोजली लिंक विद इकोनॉमिक सिस्टम ऑब्वियसली अब एजुकेटेड ही नहीं होगे तो फिर इकोनॉमिक सिस्टम में करोगे क्या आपको टेक्निकल एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज में जाके वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट कैसे बनोगे तो इकोनॉमिक रोल uh, काफी इंपॉर्टेंट एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में एक रोल प्ले करने के लिए फाइट करता है ऑर्थोडॉक्सी प्रमोट्स लिबरल आइडियाज अगर अभी आपको कोई एक लाख रीजंस भी दिए दे दे जस्टिफाई करने के लिए सती को क्या आप कभी आपके लिए कोई जस्टिफाई कर पाएगा नहीं क्योंकि अब आप प्रमोट करोगे लिबरल आइडियाज को ऑर्थोडॉक्सी को ब्लाइंड कस्टम्स को, को बिल्कुल. Social mobility, अब आप डॉगमार्स को सोशल मोबिलिटी अब सोशल मोबिलिटी पॉसिबल तभी होगी ना जब एजुकेशन होगी तो आपके लिए अः इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी दोनों ईजी हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है उसका बेटा अगर आई एस ऑफिसर बन रहा है वो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है वो ये इसी वजह से है क्योंकि आप आ, के अंदर क्या है अब आप क्या कहो अब आप एजुकेटेड हो तो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी आपके लिए ईजी और पॉसिबल है इंट्रा जनरेशनल है अगर आप लेक्चरर होते हो और आपने फिर कोई एग्जाम वगैरह भी क्वालिफाई किया आपने पी भी कर लिया तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ईजी हो जाएगा वो क्यों हो रहा है क्योंकि अब आप एजुकेटेड आपके पास ज्यादा एजुकेशन है तो आपके लिए ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी भी जो है वो इजी हो जाएगी फाइन तो एजुकेशनल फैसिलिटेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर लाइफ के लिए भी और मॉडर्न सोसाइटीज जो है वो अचीवमेंट ऑरिएटेड है वहां के लिए एजुकेशन सोशल मोबिलिटी ये चीजें ज्यादा ईजी होती हैं आपको काफी एवेन्यूज मिलते हैं लाइवलीहुड के इवेलुएट चेंज अब आपको चेंज को क्रिटिकली स्क्रूटनाइज करना इवेलुएट करना वो भी ईजी हो जाता है वो भी किस चीज से हो जाता है अगर आप एजुकेटेड होते हो डामेंटल क्वेश्चन की क्या फंक्शन करता है एजुकेशन परफॉर्म एंड बाकी रिलेटेड कैसे है एजुकेशन बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ ये फंडामेंटलिस्ट के टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दुर्खेम जो है वो कहता है कि एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोशल नॉम है तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है ये सोसाइटी में और बाय रेस्पेक्टिंग रूल्स इन स्कूल्स चिल्ड्रन लर्न टू रेस्पेक्ट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड दे लर्न टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप ठीक है आप क्या करते हो स्कूल में नॉर्म्स वगैरह सीखते हो कोई वैल्यूज आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है और वही डिसिप्लिन बाद में आप सोसाइटी में बाकी चीजों में भी डिपेक्ट करते हो वो वो चीजें जो है आपने स्कूल में सीखी हैं वो एविडेंट होती हैं आपके कंडक्ट में वो एविडेंट होती है आपके कंडक्ट में जॉब सोसाइटी की बाकी चीजों के साथ आपको करना होता है ठीक है आपके अंदर डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आ जाती है एजुकेशन सच फैमिली एंड पेयर्स नॉट प्रोवाइड इन मॉडर्न सोसाइटी ये हेल्प करती है इम्पार्टेशन ऑफ स्किल्स में जो सस्टेन करता है डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एजुकेशन हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ बोथ जनरल एंड द स्पेसिफिक वैल्यूज अब तीन चार पांच पॉइंट्स हमने यहाँ देखे एजुकेशन के पॉजिटिव में अब ये हेल्प करता है ट्रांसमिट जनरल एंड स्पेसिफिक वैल्यू अब जनरल वैल्यूज क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आप बोलो मैं थोड़ा इरेज कर देती और जनरल वैल्यूज क्या होगी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक जनरल पॉलिसी एक जनरल ये है जनरल वैल्यू है सबके लिए एक जेनरिक सी स्टेटमेंट है स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको बोला जाए सुबह उठ के आप फॉर uh, एग्जांपल अपने किसी एल्डर को जब उठते हो सबसे पहले अपने एल्डर को विश किया करो गुड मॉर्निंग करो ठीक है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो आपको समझाई जाती है ये कल्चर टू कल्चर डिफर भी कर सकती है लेकिन जनरल वैल्यू जो होती है इनसे सच्चाई बोलो या ट्रुथफुलनेस उसके बारे में आपको बोला जाता है तो ये जनरल वैल्यूज होती हैं और जो आपके स्पेसिफिक वैल्यू आपको समझाई जाती है आपके कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज बिलीव्स ट्रेडिशन एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है तो एजुकेशन इंपार्ट करता है जनरल वैल्यू भी है स्पेसिफिक वैल्यूज भी फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे स्कूल्स uh, होते हैं रिलीजियस स्कूल्स होते हैं कोई वहाँ पे आपको थोड़ी रिलीजियस टीचिंग मिलती है तो वो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग होगी वो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू हुई और कुछ जनरल बातें आपको सिखाई जाती हैं जैसे सच्चाई बोलना झूठ नहीं बोलना धोखा नहीं देना चीटिंग नहीं करना वो जनरल वैल्यूज हैं जो हर किसी के लिए सेम होंगी पार्सल ने कहा था स्कूल्स आर सोसाइटी इन मी ठीक है ये कीवर्ड्स हैं आप याद रख लोगे ये चीजें इन फैमिली बच्चे को जज किया जाता है पर्टिकुलरिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे एंड स्कूल में यूनिवर्सिटिक वैल्यूज वो सीखता है तो ये भी पार्सन से रिलेटेड है उन्हें पर्टिकुलरिस्टिक वर्सेस यूनिवर्सिटिक कहा था ये आपकी फैमिली ओरिएंटेड होती हैं और ही यूनिवर्सिटिक होते हैं जो जनरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे बेस्ड होती हैं ठीक है अदर फंक्शन दैट आर ऑफ बाय एजुकेशन आर सोशल कंट्रोल कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है सिंपल चीजें हैं देर इज ऑल्सो एन आल्टरनेट मार्क्सिस्ट व्यू बाई द लाइक्स ऑफ ऑल्सोसर ठीक है आप इसका थोड़ा हम क्रिटिकल व्यू क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एजुकेशन का तो ऑल्सोसर ने क्या कहा था एजुकेशन जो ideological state apparatus है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटिस है बेसिकली आपको कंडीशन करता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी सोसाइटी में क्या है इनके अकॉर्डिंग एक हैव्स बने हुए हैंव नॉट्स बने हुए हैं सोसाइटी में हैव नॉट्स सोसाइटी में एक्सप्लोइटेशन है ठीक है और सोसाइटी में एक डिविजन है इन है उसको जस्टिफाई किया जाता है वो सारी चीजें थ्रू एजुकेशन आपके अंदर सोशलाइज हो जाती हैं आपको कंडीशन किया जाता है कि आपको exploitation, exploitation ना लगे और आपको कैपिटलिस्टिक लाइंस पे ही तैयार किया जाता है कि कल को आप भी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स बन पाओ और आप उन फैक्ट्रीज में काम करो जहां का प्रॉफिट आपको कैपिटलिस्ट को देना पड़ेगा ये इनके कहने का मतलब था ठीक है इवन अलच वो भी एक नाम हो गया क्रिटिसिज्म का इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखा था और कहा था एजुकेशन प्रमोट करता है एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन को और अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल कन्फ्यूज टीचिंग विद लर्निंग ग्रेड्स एडवांसमेंट विद एजुकेशन एंड अ डिप्लोमा विद कॉम्पिटेंस ठीक है तो बेसिकली अगर आपके पास टीचिंग है तो जरूरी नहीं आपको सीख भी रहे हो ग्रेड्स अच्छी हैं जरूरी नहीं आप एजुकेट हो रहे हो और डिप्लोमा डिग्री आपके पास आ गई जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट बन गए हो तो स्कूल में काफ़ी इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है ना ग्रेड्स लेके आउट

एक्सेप्ट uh, कर रहे हो विदाउट क्वेश्चनिंग वो आपका पैसिव कंजम्पशन है कि आप पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो सब चीज़ों को और किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करते हो मार्क ट्वेन ने फेमसली कहा था कि आई नेवर लेट माई स्कूल गेट इन वे ऑफ माई एजुकेशन दैट मीन स्कूल जो है वो एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर रहा है बेसिकली आपको पार्ट ऑफ उस सोसाइटी बना रहा है जो सोसाइटी में न्यूमरस डिविजन हैं रेमन बोर्डन ने अपनी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड सोशल इनिकवालिटी में कहा था दैट द रोल ऑफ एजुकेशन इम प्रूविंग इन प्रोवाइडिंग एवेन्यूज फॉर सोशल मोबिलिटी इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि जो एजुकेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी है ओनली परपेचुएट्स इन इक्वालिटी बेसिकली इनक्वालिटी ही परपेचुएट कर रहा है और इक्वालिटी नहीं लेके आ रहा है पावर वेल्थ अदर मटेरियल रिसोर्सेज प्ले अ ग्रेटर रोल इन सोसाइटी अब देखो क्यों आपको एजुकेट जब किया जाता है आप एजुकेशन लेते हो बेसिकली आप इसीलिए लेते हो कि आप ज्यादा पैसे कमा पाओ मनी ज़्यादा हो इनकम ज्यादा हो नेम हो फेम हो, दैट मीन और ये सारी चीजें अगर आप इनको थोड़ा इन डेप्थ देखोगे यही सारी चीजें हैं जो पर्पचुएट करते हैं इनिक्वालिटी को अब जो आपसे कम पैसे कमाएगा वो आपसे नीचे के लेवल में आ गया तो इसने क्या किया इसका एक लेटेंट फंक्शन क्या हो गया इसने पर्पचुएट किया इनक्वालिटी को भी ठीक है और चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग क्लास जो है वर्किंग क्लास होंगे वो एक ही अमाउंट ऑफ फीस दे पाएंगे अब धीरू भाई अंबानी स्कूल में तो हम जा नहीं सकते वहां की फीस के अकॉर्डिंग तो वहां के जो बच्चे हैं उनकी कंडीशनिंग वैसी हो जाएगी अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे और जो थोड़े लो पेड ये है लो सैलरी वाले लो फीस वाले स्कूल है उसमें सारे बच्चे एक ही लेवल के होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग क्लास का बच्चा क्या बनेगा कल को वर्किंग क्लास के लिए सूट हो जाएगा तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी पॉल विलिस ने कहा था वर्किंग क्लास किड्स गेट ओनली वर्किंग क्लास जॉब्स एट डिफरेंशियल एजुकेशन लीड्स टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज वही कल्चरल वैल्यूज रिप्रोड्यूस हो रही है धीरू अंबानी में जब आपने आसपास सारे वही बच्चे देखोगे तो वही वैल्यूज रिप्रोड्यूस हो जाएंगी अब नॉर्मल लोकल पब्लिक स्कूल में जाओगे तो अपने लेवल के सारे बच्चों को देखोगे तो वही वैल्यूज अब फर्दर आगे ट्रांसमिट कर रहे हो बड्डों का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था इन्होंने कहा था एजुकेशन जो है ये रिप्रोड्यूस करता है कल्चरल कैपिटल जो नेसेसरी विच इज एज नेसेसरी एज योर सोशल एंड योर इकोनॉमिक कैपिटल ठीक है कल्चरल कैपिटल बेसिकली होता क्या है पेरे बर्डियों के अकॉर्डिंग ये आपका जो वैल्यूज है या व्यू पॉइंट्स हैं या आपका टेस्ट किस तरीके का है ठीक है तो एजुकेशन थ्रू आप क्या कर रहे हो आप रिप्रोड्यूस करते हो कल्चरल कैपिटल को एक कैटेगरी को आप एक तरीके से एजुकेट करोगे और वही अपना कल्चर जो है आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो कल्चरल कैपिटल इन्फ्लुएंस करता है एक्विजिशन ऑफ अदर कैपिटल्स एज वेल ठीक है और वही उनका सोशल कैपिटल बनता है और उसी अकॉर्डिंग उनका इकोनॉमिक कैपिटल भी बनेगा वही आइडियाज वही व्यू पॉइंट्स ठीक है वही आइडियोलॉजी वही टेस्ट उसी तरीके से डेवलप हो जाएंगी वैसे ही तरीके का आपका सोशल नेटवर्क भी बनेगा उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना होगा और अकॉर्डिंगली फिर आप जॉब भी वैसे ही करोगे ठीक है जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है उन्हीं तरीके की जॉब भी करोगे ठीक है तो ये सारी चीजें कल्चरल रिप्रोडक्शन स्कूल्स इज अनुअल सोसाइटीज आल्सो लीड्स टू अनुअल एजुकेशन अटेनमेंट ये सारी चीजें नेगेटिव पॉइंट्स इसके तो हमें सैली टॉमल ने कहा था एजुकेशन शुड बी लिबरलाइजिंग ह्यूमनाइजिंग एंड डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स तो ये आप अपने कंक्लूजन में यूज कर सकते हो ये लाइन विथ सेम कीवर्ड्स तो ये हो गया आपका एजुकेशन एंड कल्चर का अब लास्ट टॉपिक देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड चेंज तो ये भी सिंपल सा टॉपिक है हमें पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई चेंज आ गया सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो कितनी चेंजेस आ गई सोसाइटी में रूरल से अर्बन हो गए पॉजिटिव चेंजेस भी आ गई पैराडॉक्स भी सोसाइटी में क्रिएट हो गया न्यू क्लासेस भी क्रिएट हो गई बीमारियां भी फैल गई पॉवर्टी भी एक्सप्लोइटेशन भी बढ़ गया ठीक है या बाकी देख लो अगर इंडिया के एग्जाम्पल ले हम ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज एडेड बाय टेक्नोलॉजी उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी और उससे इंडिया में क्या आ गया सेल्फ सफिशियंसी आ गई फूड ग्रीनस में हाइब्रिड वैरायटी सीड्स जो है हाइब्रिड वैरायटी वराइटी जो है वो बढ़ गए ठीक है जापान एक इसकी एग्जाम्पल है क्योंकि जापान जो है टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम है स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी ये डेवलप्ड बट इज अमंग द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी ज़रूरी है अकॉर्डिंगली आपकी सोसाइटी में सोशल चेंजेस भी आते हैं साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो आपका रिलीजियस वैल्यू जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो ऐसा कम हो जाएंगे और आप ज्यादा चेंज ऑरिएंटेड बातें ही करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे और पॉजिटिव चेंजेस लाता है ये हेल्प करता है मिलियंस को अबो पॉवर्टी आने के लिए ये इम्प्रूव करता है फूड सिक्योरिटी जैसे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें एंड मेकिंग बेसिक इम्यूनिटीज़ मोर एफर्डेबल ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैव ग्रेटली इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बढ़ गई कम्युनिकेशन बढ़ गई टेक्नोलॉजी की वजह से इकानमी बूस्ट हुआ जॉब्स क्रिएट हो गई तो पॉवर्टी लेवल कम हो गए पीपल रिमेन इन टच विद ईच अदर आपका जो सोशल कैपिटल है वो भी बढ़ने लग गया सिमिलर टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैव डिफरेंट इम्पैक्ट इन डिफरेंट सोसायटीज प्रिंटिंग हुई चाइना में इट रिलेट टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैनोस्क्रिप्ट लेकिन यूरोप में इट रिलेड टू डाइवर्सिटी इन लिटरेरी वर्क ठीक है तो सेम टेक्नोलॉजी ने भी डिफरेंट इंपैक्ट डाला डिफरेंट सोसाइटी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूक्लियर पॉवर वॉज यूज टू एनहिलेलेट टू सिटीज हीरो नागा की उनको खत्म किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लेकिन बाद में इसको पीसफुल पर्पज के लिए भी यूज़ किया गया ठीक है तो काफ़ी चेंजेस आई सोसाइटी में पॉजिटिव भी आप बोल सकते हो नेगेटिव भी टुडे द चेंज बॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एट ब्रेक नेक्स्ट स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो रही है फेसबुक से देखो कितना ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है आपका कितना ज़्यादा आ गया बिजनेस को कितना सपोर्ट मिलता है फेसबुक से ठीक है कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जॉब्स कितनी क्रिएट हो गई तो इन सारी चीजों ने काफी चेंजेस लाई सोसाइटी में यहाँ पे टेल्सा मोटर्स की भी एक एग्जांपल है ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव आल्सो होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी वर्क जो है वो सिमिलर फैशन में हो रहा है सिमिलर मशीन्स इंडस्ट्रीज जो है वो ग्लोबल है वही इंडस्ट्री फॉरेन में भी है वही ब्रांड आपको इंडिया में भी मिलेगा तो क्या हो रहा है सिमिलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अगर फॉरन में कोई लवाइस की जीन्स पहनता है यहाँ पर भी लवाइस की जीन्स पहन रहा है ये कॉमन ब्रांड आ गया वहाँ अगर जारा प्रोडक्ट्स चल रहे हैं ज़ारा के क्लोथ्स चलते हैं तो यहाँ भी ज़ारा काफ़ी कॉमन हो गया है तो टेस्ट सेम है क्लॉथ सेम है कंजम्पशन सेम है वर्ल्ड तो सेम आ गया लेकिन जो डाइवर्सिटी थी अपना जो वैल्यूज थे डाइवर्स वैल्यूज थे वो आहिस्सा आता खत्म हो रहे हैं ठीक है लास्ट पैरा देखते हैं ओवर रिलायंस अगर टेक्नोलॉजी पे हो जाती है इट लीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट टू अ टेंडेंसी टू चेंज द एनवायरमेंट आप ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हो तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को आप ऑल्टर कर रहे हो क्योंकि सस्टेनेबल चेंज नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है इसमें आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे देखने के लिए एट द इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स जो बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारा ज्यादा फ्लड आना ये सारा कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है फाइन वन मेजर डिफिकल्टी इन टेक्नोलॉजी एज सोर्स ऑफ चेंज इज दैट कि इसका जो इम्पैक्ट है ये इज़ नॉट विजिबल इन द शॉर्ट रन अभी आपने कोई प्लांट लगाया फिर उसकी आहिस्ता सा, आहिस्ता वो स्टार्ट आपने किया फैक्ट्री का काम करना फिर प्रोडक्ट्स बनाना तो ये काफी लंबे टाइम तक चलता है तो चेंज आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस डोंट लीड टू तो सोशल चेंज सो इजिली एंड ऑफ्टन बैकलैश भी आपको देखने को मिलता है जैसे एनस्टीजिया का अर्ली यूज या स्टेम सेल रिसर्च क्लोनिंग एट्सिट्रा इसको कहा था कि रिलिजन से ऑल्टर करने की कहीं ना कहीं बात है मैन ज गॉड तो इन चीजों को बैकफायर भी पहले करना uh, किया गया जैसे अबॉर्शन अभी भी जो है अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अभी भी एज अ मैटर ऑफ डिबेट है क्योंकि अबॉर्शन को भी ऐसे बोला जाता है कि आप हिंडर कर रहे हो नैचुरल प्रोसेस के साथ जो आपको गॉड ने दिया है ल्यूडाइट्स जो थे दे वेंडलाइज इंडस्ट्रियल मशीनरी एज ए रिएक्शन टू न्यूली इंट्रोड्यूस मशीन एट वर्क प्लेस ये बेसिकली हुआ था यूरोप में ये ल्यूडाइट मूवमेंट इसका क्या बेसिक था ये हुआ क्यों था वो अपोज करते थे उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ़ सर्टेन मशीनरी को अपोज किया था ठीक है ये हुआ था मोस्टली टेक्सटाइल मूवमेंट टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में मूवमेंट चली थी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में इंग्लैंड में मोस्टली वूल एंड कॉटन फैक्ट्रीज क्योंकि वहां पे मशीन्स लाई थी पावर लूम वाली अब वो पावर पे चलते थे पावर पे वी, वीविंग करते थे अब जो स्किल्ड वर्कर्स थे वहाँ पे जो हैंड वीविंग कर रहे थे तो उनके लिए तो उनका उनके पेट पे तो लात मारने वाली बात ही होगी क्योंकि वो तो उनका स्किल ही यही था कि वो हाथ से वीविंग करते थे उसकी जगह पावर लूम लेके आए तो उनके इनकम पे असर पड़ा ठीक है उनके आ, इस पर असर गया जॉब्स वगैरह पे तो इसीलिए मूवमेंट उसके अगेंस्ट आई थी तो टेक्नोलॉजी से ये चेंजेस भी आती हैं रॉबर्ट ब्लॉन्दर ने अपनी स्टडी एलिनेशन फ्रीडम में हाईलाइट किया था एलिनेटिंग आस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप एलिनेट हो जाते हो जो मार्क्स ने भी कहा था क्योंकि आपको फ्रूट ऑफ लेबर जो है वो नहीं मिलता है तो मैन को उससे एलिनेट करता है मैन को अपने फेलो वर्कर से एलिनेट करता है फाइनली ख़ुद से भी एलिनेट करता है ये सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मोनोटोनी आ जाती है वर्क प्लेस पे जैसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन हमने पहले भी इसकी बात की थी ऑटोमेशन ऑटो ये ऑटोमोबिल इंडस्ट्रीज में जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है लोगों की अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है मोनोटोनस जॉब है ठीक तो ये सारे जो है नेगेटिव चीजें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने एग्जाम में काम आएंगे आपको लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे ही करना है तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा फाइनली हमारा पेपर ए है कंप्लीट हो गया कंग्रेचुलेशन और अभी दो तीन दिन का ब्रेक लेके आई एल स्टार्ट मेकिंग ऑन पेपर बी एज वेल और फेब्रवरी के एंड होने से पहले आपका जो नितिन सांगवान बुक है वो कंप्लीट हो होगी होगी तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे